गुंडागिरी ये ठाकरे सरकार की माफिया पुलिस कर सकती है। जिस प्रकार से कल रात को 10:30 बजे स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया, वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ। 70-80 लोग वहां इकट्ठे कैसे हुए? मुझे तो केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दिए, कमांडो ने चिंता व्यक्त की, ये जानकारी है। 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए, दरवाजा खोल दिया। 70-80 लोगों ने हमला किया, पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा, जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। इस FIR में लिखा है कि शिवसेना के लोग 3 किलोमीटर दूर खड़े थे। दूसरा लिखा है दूर से एक पत्थर आया और मेरी गाड़ी पे लगा। ये क्रिप्टोमया के नाम से फर्जी FIR कि मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया। मेरे बाया हाथ पे कांच पर 2 पत्थर मारे गए, कांच टूट गया, मुझे थोड़ी सी यहां पर लगी। अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता, जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार है और पूरी बहुमत वाली सरकार है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकशाही धोक्यात आहे म्हणतात ना। लोकशाही धोक्यामध्ये या महाराष्ट्रातली लोकशाही, या महाराष्ट्रातली कायदा आणि सुव्यवस्था, या महाराष्ट्रातली शांतता जर धोक्यात कोणी आणली असेल त्याला सर्वस्वी जबाबदार या महाराष्ट्रातला अपरिपक्व विरोधी पक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की पैदा करने की कोशिश हो रही है, उनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रतिपक्ष जवाबदार है।